झालावाड़ में राज्य मंत्री ओटाराम देवासी सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों के जिला स्तरीय कार्यक्रम में हुए शामिल। खान सचिव आनंदी की अध्यक्षता में माइंस के ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई संपन्न। खनिज खोज कार्य को गति देने के दिए निर्देश। हेरिटेज निगम मुख्यालय में मानसून में बीमारियों से बचने के लिए स्वास्थ्य शाखा की ओर से आयोजित हो रही है कार्यशाला। सभी स्वच्छता प्रहरियों को दी जा रही है विशेष ट्रेनिंग। झालावाड़ जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर की अध्यक्षता में जिला बाल संरक्षण इकाई और एक युद्ध नशे के विरुद्ध पर हुई बैठक। बालोतरा के सिवाना उपखंड पर संभागीय आयुक्त ने आयोजित की रात्रि चौपाल। ग्रामीणों की पानी बिजली संबंधित समस्याओं की सुनवाई कर अधिकारियों को समाधान करने के दिए निर्देश। उदयपुर में चिकित्सा विभाग द्वारा 30 जून से चलाया जाएगा सघन पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान। पिलाई जाएगी पोलियो की खुराक। उत्तर प्रदेश रेलवे में अब तक 5,145 किलोमीटर ट्रैक का किया विद्युतीकरण। 160 जोड़ी ट्रेनों का किया जा रहा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर संचालन। बालोतरा संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा ने अधिकारियों के लिए समीक्षा बैठक। पेयजल बिजली और चिकित्सा कार्यों को लेकर दिए आवश्यक निर्देश। बारा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत पीसीपीएनडीटी अधिनियम जागरूकता कार्यक्रम हुआ आयोजित। बालिकाओं को शिक्षा के प्रति किया गया जागरूक। झालावाड़ में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक हुई संपन्न। कई मुद्दों पर हुई अहम चर्चा। उदयपुर में विकसित राजस्थान विजन 2047 को लेकर खनन निदेशक भगवती प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित हुई परिचर्चा। हितधारकों ने दिए सुझाव। बालोतरा जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव ने मंडापुरा में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए भूमि का किया आवंटन। ग्रामीणों ने जताया आभार। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में कृषि विभाग द्वारा आत्मा योजना के तहत 2 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण शिविर हुआ आयोजित। किसानों को उन्नत तकनीकी से किया जागरूक। अलवर जिले में डीएसटी और थाना कोतवाली पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई। व्यापारी का अपहरण करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। और बारा में थाना भंवरगढ़ पुलिस ने किया डकैती की वारदात का खुलासा। घटना में शामिल 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार।